हेलो क्लास, वंस अगेन आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो फॉर योर मैथ क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू चैप्टर दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो ये जो चैप्टर है पूरी तरह से क्या है, अलग है। ओके, क्लास सिक्स में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बट ये जो है अब यहाँ से बेस स्टार्ट होता है। जैसे आप क्लास सिक्स में पढ़े होंगे, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ट्वेल्व, थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू नाइनटीन, ठीक है, ऐसा कुछ करके आप पढ़े होंगे। होता था ना एक नंबर है उसमें फाइव ऐड करने पर ट्वेल्व हो जाता है, या एक नंबर है जिसका थ्री टाइम करके उसमें सिक्स ऐड करते हैं तो नाइनटीन हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते थे। ओके, ये सभी क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट याद करना पड़ेगा या कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। पहला होता है कॉन्स्टेंट और दूसरा क्या होता है वेरिएबल। What are constants? Constants are the quantity which have fixed numerical value. Okay? जो constant होते हैं उनकी value fix होती है, उनकी numerical value क्या होती है, fix होती है। Okay? Just for 5, 10, 11, 13, मतलब जितने भी number हमारे पास होते हैं, all the number are considered as a constant. जितने भी number हमारे पास होते हैं सबको हम क्या कहते हैं, constant कहते हैं। What are variables? Variables are those quantities whose numerical value is not fixed या whose value is not fixed. Variables वो होते हैं जिनकी value fix नहीं होती है। Just for example, a, b, x, y, m, n means जितने भी letters होते हैं English alphabet के, all the letters of English alphabet are considered as a variables in the mathematics. ठीक है? Mathematics में उसको हम क्या बोलते हैं, variables बोलते हैं, क्योंकि हर एक question में उनकी value क्या होती है, अलग-अलग आती है, तो वो क्या होते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कॉन्स्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उसके में उनकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे कॉन्स्टेंट में जितने भी नंबर हमारे पास होते हैं सभी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। जबकि वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, उनको वेरिएबल कहते हैं। ओके, नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Algebraic expression is the combination of variable, constant, along with the sum or all mathematical operation symbol. That is called algebraic expression. मैंने कहा कि algebraic expression क्या होता है? Algebraic expression variable, constant को एक साथ मिलाता है किसके हेल्प से? Mathematical operation symbol के हेल्प से। तो जो expression आता है, वही हमें कहा, वो इसी को हम क्या बोलते हैं? Algebraic expression. अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उनके जो सिंबल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन चार होते हैं, या तो हम ऐड करते हैं, या तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम डिवाइड करते हैं। ओके, एंड दीज फोर आर नोन एज मैथमेटिकल ऑपरेशन। इन्हीं चार को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, चलो मान लो मल्टीप्लाई है कुछ इधर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, चलो जैसे तो हमारे पास चार होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा उधर लिखा गया है, तो ये चार क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो कहा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम वेरिएबल, कॉन्स्टेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल के हेल्प से कंबाइन करके रखते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 3x प्लस 4y प्लस 5, ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है यहाँ पे, और साथ ही साथ 3x मतलब होता है 3 इंटू x, 4y मतलब 4 इंटू y प्लस 5। तो यहाँ क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे, कौन कौन से, प्लस सिंबल लगा है और मल्टीप्लाई सिंबल लगा है। ठीक है, x y वेरिएबल है, 3 4 5 क्या कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल साथ आपस में रखे कंबाइन किए, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी
वह एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो उसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स, सो द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ एडिशन और सबट्रैक्शन सिंबल। ओके, एडिशन और सबट्रैक्शन सिंबल के साथ जो जो पार्ट जुड़े होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के उनको हम बोलते हैं उसके टर्म्स। जैसे मैंने लिखा था 3x प्लस 4y प्लस 5, तो इसमें यह और ये तीनों क्या है टर्म्स हैं। यह भी एक टर्म्स कहलाएगा, यह भी टर्म्स कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा टर्म्स कहलाएगा। तो देयर आर 3 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और ये किससे जुड़े हैं प्लस सिंबल से, है ना। तो प्लस या माइनस सिंबल से आप, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने पार्ट जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे अगर मैं लिखूं 3z प्लस 9y माइनस 5, इसमें कितने टर्म्स है 3 टर्म्स, एक ईयर टर्म्स है, एक ईयर टर्म्स है और एक ईयर टर्म्स है, और तीन इसमें क्या है 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल लगे हैं। ठीक है, कौन सा, एक प्लस वाई एक माइनस, और प्लस और माइनस के साथ लेंगे तभी मानेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ लेंगे तो उनको एक ही साथ लेंगे। क्लियर, इसमें 3 टर्म्स है, उसमें भी 3 टर्म्स है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स के बेसिस पर अगर देखा जाए, टर्म्स के बेसिस पर देखा जाए, पहला आता है मोनोमियल, फिर होता है बाइनोमियल, फिर होता है ट्राइनोमियल, फिर पॉलीनोमियल, इस तरह बन जाता है। ठीक, मोनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म्स, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, चाहे वो पूरी तरह कांस्टेंट हो या पूरी तरह वेरिएबल हो या कांस्टेंट वेरिएबल का कंबाइन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। जैसे 6x² 5z माइनस 3y, ये सभी क्या है मोनोमियल, क्योंकि एक एक टर्म्स है, यह भी अकेला टर्म्स है, यह भी है एक, यह भी अकेला और यह भी, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं लगे, और बीच में कमा भी लगाया जो यह दिखाता है वो सब अलग अलग है, तो यह मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है सिंगल होता है, क्या होता है सिंगल, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, पूरी तरह से क्या हो वेरिएबल हो, पूरी तरह से कॉन्स्टेंट हो, या वेरिएबल कॉन्स्टेंट साथ में जुड़े हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, जैसे भी क्या है मोनोमियल है। व्हाट इज बाइनोमियल, बाइनोमियल मींस दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 9y माइनस 3 4z प्लस x, ये सभी क्या है मोनोमियल है, सॉरी बाइनोमियल है। क्या है बाइनोमियल, बाई मीन्स दो होता है, इसमें क्या है दो दो टर्म्स, एक ईयर है, इसमें दो टर्म्स है और इसमें भी क्या है दो टर्म्स होता है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। नेक्स्ट में ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स क्या होता है 3, तो ट्राइनोमियल मीन्स दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था 3x प्लस 4y प्लस 5, ये हमारा क्या है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब इसमें क्या हो 3 टर्म्स उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। पॉलिंग मीन्स क्या होता है मेनी, पॉलिनोमियल मीन्स दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव वन और मोर देन वन टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल, इसमें एक टर्म्स हो या एक से ज्यादा टर्म्स हो उनको क्या होते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं
पॉलीनोमियल कहते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि पावर जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, साथ ही साथ फ्रैक्शन में ना होना चाहिए पॉलीनोमियल के लिए। क्लियर? ये सभी क्या है, जितने ऊपर से नीचे पढ़े हैं सभी किस नाम से जाने जाएंगे, पॉलीनोमियल नाम से जाने जाएंगे। टर्म्स कम है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कर सकते हैं, टर्म्स ज्यादा तो पॉलीनोमियल कहते हैं। ठीक है, नहीं तो सभी को हम क्या नाम दे सकते हैं, पॉलीनोमियल नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज फैक्टर। फैक्टर किसके होता है, दो विच कैन डिवाइड गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली, जो किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है उसको क्या होता है, फैक्टर बोलते हैं। या एनी एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट टर्म, डिफरेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट, एंड दिस वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट आर का फैक्टर ऑफ दोज एक्सप्रेशन, जनरली इट इज ए सिंगल टर्म्स। ये क्या होता है, सिंगल टर्म्स होता है। जैसे अगर फैक्टर की बात करें, अगर मैं लिखता हूं 5x2y, जिसके फैक्टर क्या है, यानी ये किसका किसका बना है या फिर किससे किससे डिवाइड हो सकता है, तो जिससे जिससे डिवाइड होगा वो उससे उससे मिलकर बना होगा मल्टीप्लाई, या जिससे जिससे मिलकर बना होगा वो इससे डिवाइड होगा और वही उनके फैक्टर कराएंगे। जैसे अगर 12 की बात करें, 12 फैक्टर क्या है, मतलब 12 किनके किनके मल्टीप्लाई से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई किया तभी 12 बना था, इसका मतलब 1 और 12 इसके फैक्टर हैं। 2 और 6 मल्टीप्लाई किए थे तो भी 12 था, तो भी इसके फैक्टर थे, और 3, 4 था तब भी इसके क्या थे, फैक्टर थे। उस तरह इसमें भी होता है, लेकिन नॉर्मली इसमें क्या होता है, जितने फैक्टर थे सिंगल होते हैं। अगर देखा तो जब 5 × x × x × y, इसके फैक्टर क्या है, 5 है, x स्क्वायर है और y है। ठीक है, तो 5 से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा, x से करेंगे तब भी डिवाइड होगा, x स्क्वायर से करेंगे तब भी डिवाइड होगा, y से करेंगे तो भी डिवाइड होगा। इसका मतलब फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, y। ये सब इसके फैक्टर है। ठीक है, इनसे जब भी डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसके फैक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर कॉन्स्टेंट फैक्टर बनता है उसको अलग नाम, और वेरिएबल बनता है उसको अलग नाम। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल फैक्टर, जो नंबर वाला होता है, और उसको लिटरल फैक्टर। तो फैक्टर मीन्स दोज विच कैन डिवाइड अ गिवन एक्सप्रेशन, एक दिए हुए एक्सप्रेशन जो डिवाइड कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फैक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होते हैं, एक्चुअल क्या कहता है, हम जब कोई भी नंबर का या किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर देने को कहता है, जनरली वो सिंगल टर्म्स का होगा, उसका जब फैक्टर निकालने को कहता है तो हम उसको पूरी तरह एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं किससे किससे डिवाइड हो सकता है। जैसे क्या, 5 से डिवाइड हो सकता है तो 5 इसका एक्सप्रेशन है, फैक्टर है। x से डिवाइड हो सकता है वो भी है, x स्क्वायर भी हो सकता है, और y, ये चारों से क्या है, फैक्टर्स। मतलब इनमें से अगर तुम डिवाइड करोगे जिनसे, इन चारों से किसी से भी से डिवाइड हो सकता है, और ये चारों से क्या है, फैक्टर है। तो जो कांस्टेंट रहेगा 5 जो है वो न्यूट्रल फैक्टर है, और ये तीनों क्या है, इसके लिटरल फैक्टर है। लिटरल मतलब जो उसके वेरिएबल से बने हुए। नेक्स्ट वही कोफिशिएंट। जितने भी फैक्टर होते हैं सभी बाकी का कोएफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे 5x2y था, इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, तो हमें पता करना होता है किसका पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि हम इसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, और जिसका पूछता है उसके बाद बाकी सब उसके क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे कह दिया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फाइव, 5 का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, यानी 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आया था, हम देख सकते हैं x स्क्वायर y को मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था, पूरा एक्सप्रेशन आया था, तो
एक्स स्क्वायर वाई क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट होगा, यानी किसी का भी कोएफिशिएंट पूछता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी उसके बाकी नंबर दिए होते हैं, चाहे वेरिएबल चाहे कॉन्स्टेंट, वह सब उसकी क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी उसको मल्टीप्लाई करने को आ गया था, इसको हिंदी में गुणांक कहते हैं, मतलब जो गुणांक करके लाता है, जो मल्टीप्लाई करके लाता है, उसको हम क्या होते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, ओके। अगर सपोज दैट एक्स स्क्वायर का पूछता है तो 5y, एक्स स्क्वायर वाई का पूछता है तो 5, जनरली हमसे दो पूछता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल में नंबर आ जाएंगे और लिटरल में जितने वेरिएबल हैं सब आ जाएंगे, क्लियर। तो जनरली हमसे न्यूमेरिकल ही पूछता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में किसी पार्टिकुलर का पूछ सकता है, जैसे अगर पूछता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हम बस 5 लिखते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल को, नंबर को। लेकिन अगर यह पूछता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 5y हो जाएगा, y 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद 5 का पूछोगे तो x स्क्वायर y हो जाएगा, मतलब जिसका पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब, नॉर्मली ऐसे पूछता है बस कोएफिशिएंट, तो बस कौन सा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। नेक्स्ट लाइक या अनलाइक, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइक एंड अनलाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक और अनलाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लाइक मींस क्या होते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पार्ट इज सेम, दैट इज कॉल्ड लाइक, एंड इफ द वेरिएबल पार्ट आर डिफरेंट देन दे आर कॉल्ड अनलाइक। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 5xy 3xy -2xy, ये सभी लाइक है, क्या है, लाइक है, क्योंकि यहाँ xy है, यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, ध्यान रखो क्योंकि पावर भी ध्यान रखना होता है, अगर पावर कम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो भी वो अलग अलग माने जाएंगे। अगर ये क्या माने लाइक है, अगर अनलाइक की बात करें तो यही हो सकता है 5xy 3x स्क्वायर वाई और -2xy, ये सभी क्या है, अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पे x पे 1 पावर है, y पे 1 पावर है, यहाँ x पे 2 पावर, y पे 1 पावर, यहाँ x पे 1 पावर, y पे 2 पावर, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब क्या है, अलग अलग है पावर के हिसाब से, एक्स वाई सेम है तो बात सही है, लेकिन पावर क्या है इनका अलग अलग है। और उन कहता है कि लाइक होने के लिए हर एक तरह से लाइक होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, साथ साथ वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल तो सेम है, एक्स वाई है, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है, इस तरह से कह सकते हैं वो आपस में सेम नहीं है, और इनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक। तो लाइक मतलब वेरिएबल पार्ट पूरी तरह से सेम होना चाहिए, ठीक है, अल्फाबेट सेम होने चाहिए, साथ ही साथ उनका जो पावर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर। अब मैं पीछे साथ पढ़ाया था एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट पढ़ाया था ना, तो एक्सपोनेंट में मैंने क्या बताया था, एक्सपोनेंट यह शो करता है कि एक नंबर खुद में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, जितना पावर लगा होता है हम उसको उसका क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ओके। अब क्या होता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें जो एक्सप्रेशन आते हैं तो अलग अलग टर्म्स की क्या होती है, पावर अलग अलग आती है, तो हमको डिग्री पूछता है पूरे पूरे एक्सप्रेशन का, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन पूछता है कि बताओ पूरे पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगी, जैसे 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हमसे पूछ रहा है, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर x पे 2 पावर है, x पे 1 पावर है, यहाँ x पे कोई नहीं, तो कितना मानेंगे, 0 पावर, तो किसी भी नंबर नंबर पे पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है, 1 जैसे होगा 2 into 1 हो जाएगा। तो हमसे अगर डिग्री पूछता है तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट देखते हैं, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, 0 यहाँ था, 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर देखा जाए ये दे दिया 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9, हमसे पूछता है बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो हम क्या करते हैं जितने भी टर्म्स हैं उनके वेरिएबल के पावर हम क्या करते हैं,
चेक करके ऐड करके, यहाँ 2+2 4 पावर है, या 1 और 2 3 पावर है, या इसका 1 2 पावर है, और यहाँ कितना पावर है 0 है ना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया है वेरिएबल, पावर 0 होने पर ही वन हुआ वेरिएबल। फिर से ध्यान रखो हम क्या करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं हर एक टर्म्स का, इसका कैलकुलेट करते हैं, एक्स पे 2 पावर है, वाई पे भी 2 पावर है, तो 2+2 4, या एक्स पे 1 पावर है, वाई पे 2 पावर है, 1 और 2 3, यहाँ पे एक्स पे 1 पावर है, वाई पे 1 पावर है, 1, 1, 2 और 0। अब हमसे पूछता है बताइए डिग्री क्या होगी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर दैट इज 4। यानी यह हुआ कि अगर हमसे डिग्री पूछता है तो हम करते क्या है, जितने भी रहेंगे टर्म्स उनके वेरिएबल्स की, जितने वेरिएबल्स रहेंगे सबकी पावर आपस में ऐड कर लोगे एक एक टर्म्स का, और हर एक का अलग अलग रखोगे, याद रखोगे। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के बस लिख दिया हूँ, आप चाहो तो इसको माइंड में क्या सॉल्व करके रख सकते हो, जैसे इसका 2+2 4 होगा, इसका 1 और 2 3 होगा, 1 और 1 2 होगा, इस तरह से। ओके, और इस तरह से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है, आप चाहोगे तो क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान रखोगे यह पूरी तरह से कॉन्स्टेंट कहलाता है, कॉन्स्टेंट यह रहेगा बस, ठीक है। कभी का पूछता है कॉन्स्टेंट बताइए, कॉन्स्टेंट वो होता है जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये सभी क्या है बाकी वेरिएबल रहेंगे, ये एक कोएफिशिएंट आप कराएंगे, कॉन्स्टेंट नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे कोएफिशिएंट कराएंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब उनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट कराएंगे, यह वेरी करने वाला है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, रखते जाओ इसकी वैल्यू अलग अलग आती रहेगी प्रोबेबिलिटी, क्लियर। यह कोएफिशिएंट कराएगा, तो ध्यान को कॉन्स्टेंट जब भी पूछेगा तो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना होगा उसी को आप लगाओगे। आप चाहोगे तो एक्सरसाइज 6.1 आराम 6A सॉरी आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और बाकी जो भी रहेगा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, ओके।